इसखारा तो बहुत उमदा शह है बहुत उमदा शह है बहुत उमदा शह है इस्तारा कहते हैं खैर तलब करने को ये बाब इस्तीफ़ाल से जब कोई आता है इसतार मदद हासिल करना मदद लेना इस्तारा खैर तलब करना खैर हासिल करना और उसकी एक दुआ जो है वह ऐसी है कि जो हजूर ने साहबा कहते हैं हमें ऐसे सिखाई जैसे कुरान यानी इतने अहतमाम के साथ वह दुआ सिखाई वो दुआ पढ़ते रहना ये एक मुस्तकिल गोया के इंसान का इस्तेखारा होना चाहिए उसके मामूलात में कोई भी मसला दरपेश है तो आदमी दुआ करे अल्लाहुम्मा मनी अस्तखीरों का में का भी कुदरत का, का, भी का। मैं तेरे इल्म से खैर मांगता हूं और तेरी जो कुदरत है उसी से कुदरत चाहता हूं कि मुझे भी कुछ ताकत हासिल हो जाए अल्लाह इन अस्तीरों का इल्म का वखदरों का भी कुदरत का व असअलों का बिन फजल कल आजीम और मांगता हूं तो इससे तेरा बहुत बड़ा फजल अल्लाह कुमरा खैरिनी दीनी व आकेबत अमरी तेरे इल्म में अगर ये काम जो मैं करने चला हूं या ये रिश्ता जो हमको तजवीज कर रहे हैं अगर तेरे इल्मे है कि यह हमारे लिए दीद और दुनिया और आखरत के एतबार से बेहतर है फखदुर होली तो वो हमारे लिए उसको हमारे लिए आसान कर दे मैसर कर दे मैस्र होली उसे हमारे लिए आसान कर दे तो मबारिक फी और फिर उसमें हमें बरकतें आता वह इनकालमरा फी दीनी व माशी व आकबत अमरी और अगर तेरे इल्म में यह है कि यह काम हमारे लिए शर् है बुराई है दीन में भी दुनिया में भी और आकबत के अतबार से भी फसलीफ वना या अन्नी तो फिर इस काम को मुझसे दूर कर दे अन हो और मुझे इससे दूर कर दे उसे मुझसे दूर कर दे मकदुल्ली बेहतरी खैर जहां भी हो तेरे इल्म में वो हमारे मुकद्दर में कर दे और फिर हमें उसके ऊपर राजी भी कर दे तो यह इस्तारा तो बहुत ही उमदा बात है और यह तो हमें अक्सर मामले में करना चाहिए अलबत् वो इसखारा निकालना ये फला से इस्तारा निकाल रहे हैं फाल निकाल रहे हैं फिर इस्तारे में यह समझना कि फिर यह दुआ मांग कर दो निफल पढ़ के सो जाओ तो ख्वाब में जरूर कोई इशारा मिलेगा इन चीज़ों का कोई सबूत नहीं है मेरे इल्म की हद तक अहादीस में या सुन्नत में बहरहाल अगर, अगर अल्लाह ताला इशारा कर दे कोई ख्वाब के अंदर तो भी कोई बईद बात तो नहीं है लेकिन यह कि असल में दुआ इस्तारा जो है बस वो है असल इस्तारा और वो बहुत उमदा चीज़ है और वो ईमान के मुताबिक है कि अल्लाह हम नहीं जानते तू जानता है हम शॉर्ट साइटेड हैं हमें यह चीज अच्छी लग रही है मुझे हमें पता नहीं शायद इसके पीछे कोई बुरी चीज चली आ रही हो और आने कहा है वासा अंतकर उन्न व खैरकूँ वासा अंतोहिषा व शरुल रखू वालमतुमलाम हो सकता है तुम किसी चीज को बुरा समझो हालांकि उसी में तुम्हारा खैर हो और हो सकता है तुम किसी चीज से मोहब्बत करो हालांकि उसमें तुम्हारे लिए शर हो अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते तो इसी को कहते तफवीज उल अमर इला अपना मामला अल्लाह के हवाले कर दो अल्लाह तू अगर इसे हमारे लिए खैर समझता है तो आसान कर दे अगर शर समझता है तो हमसे दूर कर दे